Good morning students, I am Kavita Chaudhary from Sunita Global School. I will teach you AVS in class first. तो बच्चों आज की क्लास में हम करेंगे अपना जो चैप्टर नंबर 5 चल रहा था माय फैमिली मेरा परिवार उसके कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर। इस चैप्टर में जैसे कि अपन ने इस चैप्टर को पढ़ना शुरू किया था सबसे पहले अपन ने देखा था कि अपन को यहाँ पर अपने पापा का नाम, अपनी मम्मी का नाम, आपके ग्रैंडफादर का नाम, आपकी ग्रैंड मदर का नाम, आपका ब्रदर या सिस्टर का क्या नाम है और कौन सी क्लास में पढ़ता है ये इन्फॉर्मेशन फिल करनी थी। उसके बाद अपन ने एक पिक्चर देखी थी जिसमें अपन ने 3 पिक्चर्स देखी थी, फैमिली नंबर 1 की, फैमिली नंबर 2 की और फैमिली नंबर 3 की। फिर अपन को एक यहाँ पर टेबल दे रखी थी जिसमें अपन को ये बताना था कि कौन सी फैमिली में कौन कौन मेंबर है। जैसे फैमिली नंबर 1 में फादर है, मदर है, सिस्टर है और ब्रदर है, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, अंकल और आंट नहीं है और टोटल इनकी थी 4। उसके बाद फैमिली नंबर 2 में फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर थे, अंकल आंट नहीं थे और इनकी कुल मिलाकर टोटल कितनी थी 6। उसके बाद फैमिली नंबर 3 में कौन थे, फादर, मदर, सिस्टर, 2 ब्रदर्स थे, एक ग्रैंड फादर, एक ग्रैंड मदर, एक अंकल और एक आंट और कुल मिला के इनकी टोटल हो गई थी 9। उसके बाद अपन ने ये चैप्टर पढ़ा था और मैंने बोला था आपको ये जो पिक्चर दे रखी है आपको ड्रॉइंग क्या करनी है, पहले आपको उसको ट्रेस करना है पेंसिल से, डॉट को मिलाना है, उसके बाद इसमें कलर करना था। और अपन ने फिर देखा कि अपन के पेरेंट्स के अलावा, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के अलावा बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो हमारी मदद करते हैं। अब आज की क्लास में इस चैप्टर के अपन कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे। बुक में इस चैप्टर के कोई भी क्वेश्चन आंसर नहीं दे रखे हैं, पर मैंने इस चैप्टर से रिलेटेड आपके लिए कुछ क्वेश्चन बनाए हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इस चैप्टर के जैसे ही है। जैसे अपन ने फैमिली देखी थी यहाँ पर, फैमिली 1, फैमिली 2 एंड फैमिली 3। तो देखिए जो फैमिली नंबर 1 है, जो फैमिली नंबर 1 है जैसे कि आप देख रहे हो, ये क्या है, ये एक न्यूक्लियर फैमिली है। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है मैं आपको सबसे पहले समझा देती हूँ। ये है एक न्यूक्लियर फैमिली, फैमिली नंबर 1 है एक न्यूक्लियर फैमिली। अब न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जिसमें फादर रहते हैं, कौन, फादर यानी पापा, मम्मी रहती है यानी मदर, एक ब्रदर रहता है यानी भाई एंड एक सिस्टर रहती है, कौन, एक सिस्टर। तो ये जो फैमिली होती है जिसमें सिर्फ फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर रहते हैं उसको अपन न्यूक्लियर फैमिली बोलते हैं। ओके, इसको क्या बोलेंगे अपन, न्यूक्लियर फैमिली। अब नेक्स्ट बात करते हैं फैमिली नंबर 3 की। जैसे फैमिली नंबर, इसमें कौन कौन है, जैसे ये क्या है, ये ग्रैंड फादर है, जीएफ यानी ग्रैंड फादर, ये ग्रैंड मदर, जीएम यानी ग्रैंड मदर, ये मदर है, ये फादर है, ये अंकल है, ये आंट है और ये क्या है, ब्रदर सिस्टर है और ये हो सकता, ये क्या अपन क्या बोल सकते हैं इनको, कजन्स बोल सकते हैं, कजन्स, और ये हो गया ब्रदर। तो ऐसी फैमिली जिसमें ग्रैंड फादर, ग्रैंड मदर, मम्मी पापा, चाचा चाची यानी अंकल आंट, उनके बच्चे सब साथ में रहते हैं तो उस फैमिली को एक क्या बोलते हैं, जॉइंट फैमिली बोला जाता है। क्या बोला जाता है, जॉइंट फैमिली बोला जाता है। तो ये जो फैमिली नंबर 3 है वो एक जॉइंट फैमिली है जिसमें सभी लोग मिलकर रहते हैं। और ऊपर वाली जो अपन ने पढ़ी थी वो कौन सी फैमिली थी, वो थी न्यूक्लियर फैमिली। अब अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स और क्वेश्चन आंसर। तो सबसे पहले जैसे आपको पता है चैप्टर नंबर 4 अपन ने पढ़ लिया था, उसके बाद आपको लिखना है क्लास वर्क और लिखना है चैप्टर नंबर 5 माय फैमिली। ओके, और आपको डेट भी लिखनी है। उसके बाद आप हेडिंग लिखेंगे डिफिकल्ट वर्ड, आपको क्या हेडिंग लिखनी है, डिफिकल्ट वर्ड। उसके बाद फर्स्ट नंबर है फादर, फादर का मतलब होता है पापा। सेकंड है मदर, मदर का मतलब होता है मम्मी। थर्ड है ग्रैंड फादर, ग्रैंड फादर का मतलब होता है दादाजी या फिर नाना जी। ग्रैंड मदर का मतलब होता है दादी जी या फिर नानी जी। फिफ्थ है मेंबर्स, मेंबर्स का मतलब होता है सदस्य, जैसे आपके घर में कितने सारे सदस्य है यानी रहने वाले लोग, किसी घर में रहने वाले लोग को अपन बोलते हैं मेंबर्स यानी सदस्य। सिक्स नंबर पर है फैमिली, फैमिलीज का मतलब परिवार होता है। सेवन नंबर है न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, जिसमें फादर, मदर और ब्रदर और सिस्टर ये चार रहते हैं, उनको अपन बोलेंगे न्यूक्लियर फैमिली। एट नंबर पर है जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होती है, जिसमें ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, अंकल आंट
फादर मदर कजन और उनके बच्चे साथ में रहते हैं उसको अपन ज्वाइंट फैमिली बोलते हैं। नाइन्थ नंबर पर है कारपेंटर, तो कारपेंटर क्या होता है, जो सुथार होता है, जो लकड़ी का काम करता है। एंड टेंथ नंबर पर है टुगेदर, टेंथ नंबर क्या है टुगेदर यानी साथ में। तो ये वाले जो डिफिकल्ट वर्ड्स हैं वो आपको अपनी नोटबुक में यानी जो आपकी ईवीएस की नोटबुक है उसमें आपको करने हैं। कैसे करोगे, फर्स्ट नंबर फर्स्ट लाइन में एक लिखोगे, जैसे इस आपको मैंने कुल मिला के 10 यानी टोटल मैंने आपको 10 डिफिकल्ट वर्ड्स लिखा है, तो 10 लाइन में आपको 10 डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं। ओके, एक लाइन में दो नहीं करने, आपको वन लाइन में वन ही डिफिकल्ट वर्ड करना है। अब अपन पढ़ेंगे इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हेडिंग लिखी हुई है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, यानी नीचे दिए गए क्वेश्चन के आपको क्या करना है, आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली। जैसे अपन ने उस पिक्चर में भी देखा था, ये जो अपन पिक्चर देख रहे थे, ये फैमिली है, ये कैसी फैमिली है, ये एक न्यूक्लियर फैमिली है जिसमें फादर मदर ब्रदर और सिस्टर है। क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ बताया है कि व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली क्या होती है, तो इसका आंसर अपन लिखेंगे अ स्मॉल फैमिली कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली, यानी जो एक छोटा परिवार होता है उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। छोटा परिवार ही है, जैसे जिसमें मम्मी पापा और उनके बच्चे हैं, तो ये परिवार छोटा है, तो आंसर भी अपन ने वही लिखा है अ स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। अब उसके बाद है क्वेश्चन नंबर टू, व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली क्या होती है। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर पिक्चर नंबर थ्री बताया, ये क्या है, ये फैमिली एक जॉइंट फैमिली है जिसमें ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, मदर है, सिस्टर मदर है और क्या है फादर है, अंकल आंट कजन्स और उनके बच्चे हैं, तो ये होगी जॉइंट फैमिली। तो आंसर भी वैसा ही लिखेंगे अ बिग फैमिली इज कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली, यानी जो बड़ा परिवार होता है उसको अपन जॉइंट फैमिली बोलते हैं, जिस घर जिस एक घर में बहुत सारे लोग मिलकर रहते हैं तो उसको अपन बोलेंगे जॉइंट फैमिली। तो क्वेश्चन था व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, तो आंसर होगा अ स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। एंड क्वेश्चन नंबर टू व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली, तो इसका आंसर लिखेंगे अ बिग फैमिली कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अपन लिखेंगे नेम द पर्सन हु, नेक्स्ट है अपना नेम द पर्सन हु, यानी कि उन आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चंस बताए मैंने कुछ, उसका आपको आंसर बताना है। नेम द पर्सन हु, फर्स्ट है गिव अस मेडिसिन व्हेन वी आर सिक, यानी आपको उस पर्सन का नाम बताना है जब हम बीमार होते हैं तो वो हमें दवाइयाँ देता है, तो कौन देता है हमें दवाइयाँ, डॉक्टर, तो इसका आंसर अपन ने लिखा डॉक्टर। सेकेंड है टीचर्स अस टू रीड एंड राइट, जो हमें पढ़ना और लिखना सिखाते हैं, तो पढ़ना और लिखना हमें कौन सिखाता है, टीचर, तो इसका आंसर अपन ने लिखा टीचर। फिर थर्ड अपन ने लिखा है मेक्स डोर विंडो एंड फर्नीचर, थर्ड क्वेश्चन है जो आपके घर के लिए दरवाजे खिड़कियां और फर्नीचर बनाता है, तो कौन बनाता है, कारपेंटर यानी बढ़ई। फोर्थ है क्लीन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, यानी जो रोड की सफाई करता है और सार्वजनिक स्थलों की सफाई करता है, सार्वजनिक स्थल जैसे जैसे पार्क है, रोड है, कोई मंदिर है, टेम्पल है, तो ये सब सार्वजनिक स्थानों में आते हैं यानी पब्लिक प्लेसेस पे आते हैं। तो रोड्स को और पब्लिक प्लेसेस को कौन सा साफ करता है, स्वीपर यानी सफाई कर्मी। फिफ्थ क्वेश्चन है अ पर्सन हु ड्राइव अ व्हीकल, वो उस पर्सन का आपको नाम बताना है जो कि गाड़ी चलाता है, व्हीकल यानी गाड़ी, तो कौन चलाता है व्हीकल, कौन ड्राइव करता है, ड्राइवर, तो इसका आंसर अपन ने ड्राइवर लिखा है। एंड सिक्स क्वेश्चन है अ पर्सन हु कट हेयर, यानी उस पर्सन का आपको नाम बताना है जो हमारे कट जो हेयर है बाल है उसको कट करता है, काटता है, तो कौन करता है, बार्बर, तो इसका आंसर अपन लिखेंगे बार्बर। अब ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों लिखा है, क्योंकि आपको आपने ये देखा आपकी बुक में अवर पेरेंट्स हेल्प अस, अपन के जो पेरेंट्स होते हैं वो अपन उनकी मदद करते हैं, अवर ग्रैंड पेरेंट्स ऑल्सो हेल्प अस, हमारे दादा दादी या नाना नानी भी हमारी मदद करते हैं, देर आर मैनी अदर पीपल हु हेल्प अस लाइक, और भी ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो हमारी मदद करते हैं, जैसे डॉक्टर, टीचर, कारपेंटर, स्वीपर, ड्राइवर एंड बार्बर, तो इसी का मैंने आपको यहाँ पर क्वेश्चन बनाकर लिखा दिया। फर्स्ट अपन ने लिखा गिव अस मेडिसिन व्हेन वी आर सिक, जब अपन बीमार हो जाते हैं, सिक का मतलब क्या होता है, बीमार होना, सिक का मतलब होता है बीमार होना, तो जब भी हम बीमार हो जाते हैं हमें दवाइयाँ कौन देता है, मेडिसिन कौन देता है, डॉक्टर। टीचर्स टीचर्स अस टू रीड एंड राइट, हमें जो पढ़ना और लिखना सिखाता है वो होता है टीचर। मेक्स डोर्स विंडोज एंड फर्नीचर, जो हमारे घर के लिए दरवाजे खिड़कियां और फर्नीचर बनाता है, कारपेंटर। क्लीन रोड्स एंड पब्लिक प्लेसेस, जो कि पब्लिक प्लेसेस को और रोड्स को साफ करता है वो कौन होता है, स्वीपर।
फिफ्थ अ पर्सन हु ड्राइव अ व्हीकल, वो पर्सन जो कि व्हीकल को ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है, तो उसको अपन बोलेंगे ड्राइवर। अ पर्सन हु कट हेयर, यानी वो इंसान जो बाल कट करता है या हमारे बाल काटता है, तो कौन काटता है? बार्बर यानी नाई। तो ये वाले क्वेश्चन आपको अपनी ईवीएस की कॉपी में करने हैं। किस तरह से करेंगे आपको मैंने समझा दिया। सबसे पहले क्लास वर्क लिखेंगे, आज की डेट लिखेंगे, उसके बाद चैप्टर नंबर 5 लिखेंगे माय फैमिली, उसके बाद डिफिकल्ट वर्ड्स लिखेंगे। और डिफिकल्ट वर्ड्स क्या क्या है? फादर, मदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, मेंबर्स यानी सदस्य, फैमिली यानी परिवार, न्यूक्लियर फैमिली यानी छोटा परिवार, जॉइंट फैमिली बड़ा परिवार, कारपेंटर यानी बड़ाई, टूगेदर यानी साथ में। उसके बाद क्वेश्चन आंसर करने हैं आपको। आप लिखेंगे हेडिंग आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, उसके बाद क्वेश्चन लिखेंगे व्हाट इज अ न्यूक्लियर फैमिली, आंसर होगा स्मॉल फैमिली इज कॉल्ड अ न्यूक्लियर फैमिली। क्वेश्चन नंबर 2 व्हाट इज अ जॉइंट फैमिली, अ बिग फैमिली कॉल्ड अ जॉइंट फैमिली। उसके बाद नेक्स्ट नेम द पर्सन, ये अपन पढ़ चुके हैं। तो इस तरीके से ये अपना जो चैप्टर था चैप्टर नंबर 5 माय फैमिली वो पूरा हो चुका है। दो तरह की होती है, एक न्यूक्लियर फैमिली होती है और एक जॉइंट फैमिली होती है। न्यूक्लियर फैमिली में लोग हैं जो मेंबर्स होते हैं वो कम होते हैं, और एक जो जॉइंट फैमिली होती है उसमें मेंबर्स ज्यादा होते हैं, जैसे ये वाली फैमिली, ये अपने इस चैप्टर में देखा। तो उम्मीद करती हूँ ये चैप्टर समझ आ गया होगा, और जो क्वेश्चन आंसर और डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने आपको समझाया है वो भी आपको समझ आ गए होंगे, और आपको काम किस तरह से करना है। तो आज की क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। नेक्स्ट क्लास में चैप्टर नंबर 6 को पढ़ना शुरू करेंगे। तब तक स्टे सेफ, थैंक यू।